मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट सीरीज के पिछले वीडियोस में आपने जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और हमें हेयर ट्रांसप्लांट से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डोनर एरिया क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले मित्रों जानते हैं डोनर एरिया क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डोनर बने जहाँ से बाल लिए जाते हैं। बाल शरीर के बहुत सारे हिस्सों से लिए जा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर सबसे अच्छा डोनर एरिया सिर के पिछले हिस्से को यानी ओसिपिटल रीजन को माना जाता है। इसके अलावा दाढ़ी के बाल, मूछों के बाल, चेस्ट के बाल, बैक के बाल, हाथों के बाल, इंग्वाइनल रीजन से बाल, एक्सिलरी रीजन से बाल भी लिए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर के पिछले हिस्से को ही सबसे अच्छा डोनर एरिया क्यों माना जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर के पिछले हिस्से के जो बाल होते हैं वहाँ पर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का असर नहीं आता है और इस हार्मोन के असर ना आने के कारण बाल पतला नहीं होता है और लंबे समय तक चलता है। अगर किसी वजह से सिर के पिछले हिस्से से हम रिक्वायर्ड ग्राफ्ट नहीं निकाल पाते हैं तब हम शरीर के अन्य हिस्सों से बालों को ग्राफ्ट के रूप में लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस सिर के बालों के बाद दाढ़ी से होती है, परंतु दाढ़ी और सिर के बालों में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या है कि दाढ़ी के एक ग्राफ्ट में से एक से दो बाल निकलते हैं और सिर के एक ग्राफ्ट में से एक से चार बाल निकलते हैं। तो यदि हमें 1000 बालों को ग्राफ्ट करना है, 1000 बाल लगाने हैं, तो अगर दाढ़ी से हमें 500 ग्राफ्ट चाहिए तो सिर के 250 ग्राफ्ट से काम चल जाएगा। और फिर भी अगर हमारे बाल रिक्वायर्ड, हमारे ग्राफ्ट रिक्वायर्ड मात्रा में हमें नहीं मिल पाते हैं तो हम बाकी अन्य हिस्सों से बाल ले सकते हैं, परंतु हाथों के बाल, चेस्ट के बाल एक लंबाई के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से वो मिक्सिंग के लिए तो प्रेफरेबल है। बहुत सारे पेशेंट्स के प्रश्न होते हैं कि डोनर एरिया से एक बार बाल निकालने के बाद क्या वहाँ पर दोबारा बाल आते हैं? तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको पता भी होना चाहिए कि जो बाल एक बार डोनर एरिया से निकल गया वो दोबारा नहीं आता है। इसका कारण ये है कि बाल रूट से निकाला जाता है और एक बार बाल रूट से निकल गया तो अपनी जगह छोड़ देता है। परंतु आपको इस बात से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और कुशल टीम से अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो बड़ी सफाई के साथ और बड़े तरीके के साथ आपके बालों को डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि आपके बालों में कोई खालीपन ना दिखाई दे और आपका लुक बहुत अच्छा लगे। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने जाना कि डोनर एरिया क्या है। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।